नमस्कार दोस्तों, गृह शोभा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से टेस्टी सा नाश्ता, कर्ड राइस यानी दही वाले चावल। जब भी हम चावल बनाते हैं तो एक कटोरी दो कटोरी हमेशा चावल बच ही जाते हैं और फेंकने का भी मन नहीं करता है, तो हम इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट देकर बनाते हैं। बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। ये मेरे चावल बच गए थे, ये डेढ़ कटोरी के करीब चावल हैं। इनको एक बड़े कटोरे में बाउल में डाल लेते हैं और चम्मच से ना इनको अच्छे से थोड़ा सा मैश करते हुए मिक्स कर देंगे, ताकि अब इनमें हम नमक मिर्च मिलाएंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए सारे चावल मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए। अब दही ले लिया है, 3-4 चम्मच हम दही डालेंगे इसमें। अब दही को डालकर भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अनुसार, आधी छोटी चम्मच मिर्च। मिर्ची मैंने कमी डाली क्योंकि हमारी मिर्च भी डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा चाट मसाला 1 चम्मच। अब इन सब चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैं और फटाफट बन जाते हैं। अब गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। घी या तेल आप जो भी खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं। अब आधी छोटी चम्मच जीरा, इसको भून लेते हैं, और 1 छोटी चम्मच सरसों या राई, इसको भी चटकने देते हैं अच्छे से। और ये मैंने 8-10 कड़ी पत्ते लिए हैं, इनको डाल लेते हैं और हल्का सा भून लेते हैं सब चीज़ों को। कड़ी पत्ते की वजह से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज और 1 हरी मिर्च ली है। प्याज को थोड़ा बड़ा ही काटा है, ज़्यादा छोटा नहीं काटना है, क्योंकि जब प्याज बड़ी बड़ी चंक्स में आती है तो वो टेस्टी लगती है। और इसको हल्का सा भून देंगे, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। प्याज थोड़ी सी कड़क होती है, क्रंची क्रंची तो अच्छी लगती है। 1 चम्मच बटर डाला है, बटर का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, वरना कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। इन सब चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। एक दो मिनट के लिए प्याज को मीडियम गैस पे हल्का सा भून लेते हैं हम। और अब गैस को बंद करके हमने जो चावल तैयार करके रखे हैं उनको इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे ये सब हमें गैस बंद करने के बाद ही मिक्स करने हैं चावल, क्योंकि हमने दही डाला है तो दही जब गर्म हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए ठंडे चावल में ही बस थोड़ा ऐसे ही मिक्स करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये कर्ड राइस हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब थोड़े धनिया पत्ती डालकर इसको गार्निश कर लेते हैं और शुरू कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।